good at it. तो आगे आपने देख लिया होगा कि आज हम किस तरह के वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है और इस तरह के वीडियो जिन लोगों ने भी बनाए हैं सभी के वीडियो पे बहुत अच्छे खासे व्यूज हैं। तो इस तरह के वीडियो एडिटिंग के लिए आपको चाहिए एक VN ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आप हमारा वीडियो देख सको सबसे पहले। तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन पे और स्क्रीन पे आ जाने के बाद आपको अपना VN एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको ये जो प्लस वाला आइकॉन है वहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और उसके बाद आपको अपना जो फर्स्ट में वीडियो रखना है या फिर कोई इमेजेस रखना है उसको आपको यहाँ पे ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो वीडियो को ओपन करने के बाद आपको आप इमेज ओपन करें या वीडियो तो उसको आपको इसको 5.70 से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 5.70 से इसको कट कर ले तो आपको स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद आगे वाले इमेज या वीडियो को आपको डिलीट कर लेना है और आगे वाले इसको भी डिलीट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये करने के बाद यहाँ पे आपको बैक जाना है। बैक करने के बाद ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला प्रेफरेंस वाला है वहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन ट्रांजिशन में आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको जो ड्यूरेशन है उसको 3 से आपको 0.65 कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको 0.65 कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे 0.65 करने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है और बैक जाना है और बैक जाना है और वापस से आपको उस प्रोजेक्ट को आपको ओपन कर लेना है। तो उसके बाद आपको ये प्लस वाला आइकन पर जाना है और आपको फोटोज़ में जाना है और आपको जो इमेजेस चाहिए उसको आपको यहाँ पे ओपन करना है। तो आपको यहाँ पे टोटल 7 इमेजेस चाहिए होंगे तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सारे इमेजेस यहाँ पे ओपन हो गए हैं। तो उसके बाद आपको सबसे पहले ये जो ओरिजिनल वाला है उसको हम 9.60 रेशियो कर देते हैं। तो ये करने के बाद यहाँ पे आपको सभी इमेजेस को यहाँ पे बड़ा कर लेना है। तो उसके लिए आपको इमेजेस पे रखना है, उसके बाद ये जो फिट वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको टैप करना है और उसके बाद आगे वाले इमेज पे टैप करना है और इस तरह से आपको सभी इमेज को यहाँ पे फिट कर लेना है। तो ये करने के बाद आपको इस वीडियो का साउंड ऊपर करना होगा। तो उसके लिए जो म्यूजिक वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद म्यूजिक पे जाना है और आपको एक्सेल फ्रॉम वीडियो पे टैप करना है। उसके बाद हमने जो वीडियो को इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे डन करना है। डन करने के बाद आपको न्यू एल्बम पे जाना है और उसके बाद आपको वापस से न्यू एल्बम पे जाना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑडियो है वो हमारे वीडियो का साउंड है तो उसको हम यहाँ पे टैप यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा साउंड ओपन हो गया। तो उसके बाद तो सबसे पहले मैं इस ऑडियो का साउंड करूँ जिससे कि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम ना आ सके, इसके लिए सॉरी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे दूसरे इमेज पे टैप करना है और उसके बाद यहाँ पे जो इफेक्ट्स ऑप्शन है वहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको जूम इन वाला इफेक्ट लगा देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो अप्लाई टू ऑल वाला है वहाँ पे आपको टैप करें। जब आप यहाँ पे टैप करोगे तो ये सभी इमेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हो गया तो हम वापस से इफेक्ट्स में जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जूम इन वापस से अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं जूम आउट यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वीडियो, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे है, आप देख सकते हो कि हमारा वीडियो पूरी तरह से एडिट हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप इस तरह से एकदम इजी स्टेप में इस तरह का वीडियो बना सकते हो। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।